दरअसल क्या है कि हमारी तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाली बात है कि हम भाभी जी के लिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि भाभी जी को चाहिए, तो मुश्किल हो रही है अपनी ग्रूमिंग क्लासेस में जाने से। तो बबू दी तो खरीद नहीं पाते, नल्ले आदमी है, तो ये सुन लेते हैं और एक सेकंड हैंड स्कूटर वो दरोगा जी से खरीद लेते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि यही ले लो 100 रुपये पर डे के हिसाब से। तो बस फिर ये खरीद लिया है, अब ये जो कुछ भी हो रहा है आप देख रहे हैं। भाभी जी ये बताइए, ये खरीद भी ले, ये सीख भी ले, तो क्या आप इनके साथ सवारी करेंगे उस स्कूटर पे? नहीं, ये तो कोई कंसिडरेशन सेट में ही नहीं है। मैं तो विभू के साथ बाइक में जाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि विभू मेरे लिए बाइक खरीदे, गाड़ी ना तो नहीं सही, तो कम से कम बाइक तो खरीदे, ताकि मुझे रोज रोज अपनी ग्रूमिंग क्लासेस रिक्शे में ना जानी पड़े। लेकिन यहाँ कुछ और ही खिलाड़ी पुलाव बन रहे हैं और कुछ सपने भी देखे जाएंगे कि कैसे मैं इनके पीछे बाइक पे बैठी हूँ। तो सपनों में क्या, सपनों में तो कुछ भी हो सकता है। बड़ा भारी पड़ रहा है ये पूरा माहौल। अरे बहुत भारी पड़ रहा है भैया, हम क्या बताएं। अब देखो, संस्कार नाम की चीज नहीं है। गोरी मैम सामने बैठी हैं और उनके पति को ऐसे नल्ला नल्ला बोल रहे हैं, हमें बहुत खराब लग रहा है। मन कर रहा है इनको हमें थोतरी में ऐसे दे दें हम। लेकिन ऐसा है कि इनके स्कूटर को अचानक से भूत सवार हो गए हुए, तो हमने कहा चलो मोहल्ला वाले हैं, हमने इन्हें अपना स्कूटर दे दो। लेकिन जी ऐसे ही निकले कि हमारी टांग तोड़ दी दादा। अबे वही सीन करने जा रहे हैं हम। लेकिन टांग टूटने के बाद भी आप निछावर मांगना नहीं भूले ना? का करें, नोनो ठैया बच्चा है, टांग टूटे चाहे खोपड़ी फूटे, निछावर तो चाहिए ही चाहिए। तो बिना कागज के चला रहे वो, बाद में हमें पता चलो वो हमारी कागज आती, हमारे पास खुद नहीं आती, लेकिन हमने निछावर पहले ले ली है और साथ में 2000 रुपया भी ले लिए। ऐसे यूनिक दरोगा और ऐसे यूनिक पड़ोसी सिर्फ आपको हमारी कॉलोनी में मिलेंगे। सॉरी, ये बताइए कि वो स्कूटर चलाना वाकई मुश्किल हो रहा था, मतलब ऑफ स्क्रीन आपने शायद मिस कर दिया। बहुत जी जान लगाई इन सबने मिलकर, लेकिन मुश्किल चली गया। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज तक हमने खुद नहीं चलाया, जब से सीन कर रहे हैं सिर्फ घसीट ही रहे हैं। आज चलाना पड़ गया तो इनको पता चला होगा कितना मुश्किल है। पूछो आप पूछो। दरअसल वो इतना ढीठ स्कूटर है कि पेट्रोल डालने के बाद भी नहीं चल रहा है। और वो आप बोल गए कि जो सिखाने वाला है उसकी नियत कैसी है, सिखा रहा है सीधा चौथे गियर से। वो क्लच को गियर बता रहा है, गियर को ब्रेक बता रहा है, ओपनिंग करवा रहे हैं चौथे गियर से, सीधा चौथे पे सीधा। बापू सिंह को पेल दिया। थैंक यू सो मच।